हेलो दोस्तों, तो आज प्रिंस नॉलेज बैंक, वेलकम टू प्रिंस नॉलेज बैंक। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरल नॉलेज। जी हाँ, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, आप सभी पढ़ते भी होंगे, तो इसको हम जीके कहते हैं। आप सभी जानते होंगे। तो जीके में आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है इंडियन रिवर्स, भारतीय नदियाँ। दोस्तों, इनके बारे में हम और जानकारी पाने के लिए आप मेरे साथ आगे बढ़िए और लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जाता हूँ और ये पंछी पंछी उड़ के तो चला गया, पर यहाँ पे हमारा कुछ काम बाकी है। ओके, रिवर्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तीन इंडियन मैथोलॉजी रिवर्स। जी, ये आप पानी की धारा देख रहे हैं, ये एक नदी की पिक्चर है, पर हम इस नदी के बारे में नहीं जानकारी लेने वाले। हम तीन मैथोलॉजी रिवर्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जिनका नाम है, बताए आप लोग, मैं बता, गंगा, यमुना और सरस्वती। जी हाँ, तो गंगा, यमुना और सरस्वती। तो गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा के बारे में आप सभी ने सुना होगा, यमुना जो है वो दिल्ली में बहती है। ओके, तो अब हमारा एक सवाल, प्रश्न होता है कि आखिर ये नदी है क्या, वॉट इज अ रिवर। यस, सो इसका उत्तर पाने के लिए आपको मेरे साथ आगे बढ़ना होगा और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। वॉट इज अ रिवर, वॉट इज अ रिवर, क्या है ये? तो दोस्तों, रिवर जो होती है, रिवर इज अ नेचुरल फ्लोइंग वाटर कोर्स, यूजली फ्रेश वाटर फ्लोइंग टूवर्ड्स एन ओशियन, लेक, सी और अनदर। दोस्तों, मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ, इसका मतलब है जो नदी होती है, रिवर को हम नदी भी कहते हैं, आप भी जानता होगा। तो नदी जो होती है वो साफ पानी का बहाव होता है, जो कि किसी महासागर, लेक, समुद्र या फिर किसी और नदी में जाके मिलता है, तो उसको हम रिवर कहते हैं। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इन सम केसेस रिवर फ्लोज इनटू द ग्राउंड एंड बिकम्स ड्राई एट द एंड ऑफ दिस कोर्स विदाउट रीचिंग अनदर बॉडी ऑफ द वाटर। सम स्मॉल रिवर्स कैन बी रिफर्ड टू यूजिंग नेम्स सच एज स्ट्रीम, क्रीक, ब्रूक, रिवरलेट एंड रिवर। ओके, दोस्तों हिंदी में मैं समझाता हूँ। कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं वो पहुँचने से पहले, मतलब किसी और नदी या कहीं और मिलने से पहले ही वो ज़मीन में सूख जाती है। तो साफ सी बात है, ये ऐसी नदियाँ छोटी ही होती होंगी, तो इन छोटी नदियों को हम लोग कह सकते हैं स्ट्रीम, क्रीक, ब्रूक, रिवरलेट। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, स्ट्रीम, क्रीक, ब्रूक, रिवरलेट एंड रिवर। जी हाँ, तो इन नदियों को हम ये भी कह सकते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए, आपकी बाकी बात में आपको ये काम आएंगे। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी पहले रिवर की तरफ, इसका नाम है गंगा। सो देखिए, आप सब ने गंगा के बारे में सुना होगा, आप सब ये जानते हैं कि गंगा बहुत बड़ी मैथोलॉजी रिवर है और ये भारत के कई देशों में से जाती, कई देशों से, कई स्टेट से जाती है। मैं देश देश बोलने लगा, मतलब देश देश के दो ही है। तो आप सब इसके कॉमन चीज़ों के बारे में जानते ही होंगे कि ये इसकी मतलब नॉर्मल चीज़ें क्या है, ये मैथोलॉजी से कैसे करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो गंगा के बारे में साइंटिफिकली हम कुछ पढ़ते हैं या फिर हम लोग कुछ और भी बातें पढ़ते हैं गंगा के बारे में, तो वो यहाँ मेन बात है। तो सबसे पहला पॉइंट आज का, गंगा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। ये मेरे ख्याल से आप में ज्यादातर लोगों को पता होगा, गंगा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर्स। गंगोत्री ग्लेशियर्स जो है, मीन्स वो बहुत बड़े ग्लेशियर है जो कि जहाँ से गंगा आती है हमारे देश में। And the next point is the tributaries of Ganga. Tributaries मतलब जो नदियाँ बाहर आके उसमें मिलती हैं, उनको tributaries कहते हैं उस नदी की। तो tributaries of Ganga are Yamuna,
सरस्वती। ओके तो ये देखिए, हमने ये गंगा यमुना सरस्वती पता क्यों लिया है? ये जो हमने गंगा यमुना सरस्वती इसलिए लिए है क्योंकि ये जो है ना, ये त्रिवेणी संगम में भी आते हैं, क्योंकि ये तीनों एक साथ मिलते हैं। हम यहाँ पे त्रिवेणी संगम के बारे में बात नहीं कर रहे, पर आगे इसकी ट्रिब्यूटरीज और जानते हैं। जैसे गंगा की यमुना सरस्वती तो है ही, आगे भागीरथा, अलकनंदा, राम गंगा, घाघरा एंड गोमती। जो घाघरा है वो सरयू है, सरयू का दूसरा नाम। तो अब आगे की चीज, गंगा फ्लोस टू उत्तराखंड, या नोट कर लीजिएगा जरूर, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हाँ बहती है, हम सबको पता है, बिहार, बंगाल एंड झारखंड। तो ये पांच स्टेट्स हैं जहां से गंगा अपने भारत देश में बहती है। और इसकी और एक और मेन बात है इसकी, लेंथ ऑफ गंगा, लेंथ ऑफ गंगा इज 2510 किलोमीटर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है गंगा के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज, रिवर गंगा फ्लोस थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया में तो है ही और बांग्लादेश में भी है, बांग्लादेश इंडिया की सीमा से जुड़ता है, ये बांग्लादेश में भी जाती है। और गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट किया है जिसका नाम है नमामि गंगे प्रोजेक्ट टू सेव गंगा फ्रॉम पॉल्यूशन। गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट किया है जिसका नाम है नमामि गंगे, इसको भी जरूर नोट कर लीजिएगा, प्रोजेक्ट टू सेव गंगा फ्रॉम पॉल्यूशन। आप इन सब पॉइंट्स को देख लीजिए, पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए अगर आपको कहीं नोट करना है तो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी नदी की तरफ जिसका नाम है यमुना। जी हाँ दोस्तों, यमुना। तो यमुना के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। गंगा के बाद आज हमारे चरण है यमुना की। यमुना को मैं माफ कर देता हूँ, यमुना आप देख सकते हो, यमुना की एक छोटी सी फोटो लगी है और यहाँ पे यमुना के बारे में कुछ पॉइंट्स है। जी हाँ दोस्तों, तो पहला पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। द यमुना इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। हाँ, यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से आई है। जैसे गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से आई है, वैसे यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से आई है। ग्लेशियर के पिघलने से आप जानते होंगे पानी बनता है, और वो पानी जो उस ग्लेशियर यमुनोत्री ग्लेशियर के पानी पिघलने से, बर्फ पिघलने से जो पानी आता है वो यमुना नदी क्रिएट करती है। हाँ, और सेकेंड पॉइंट आता है हमारा ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। हाँ, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना आर टन, चंबल, हिंदन, बेटवा एंड खेर। ये जो है, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं हमारे यमुना की। आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये सब आपके बाद में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, यमुना फ्लोस थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली। तो दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, हिमाचल प्रदेश एचपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जिसको हम कहते हैं राजस्थान एंड मध्य प्रदेश जिसको हम एमपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और दिल्ली। हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली। दोस्तों, तो टोटल कुल इसमें 7 ट्रिब्यूटरीज होती। सॉरी, दोस्तों 7 जगहों से यमुना फ्लो करती है, जो कि उत्तराखंड, यूपी, एचपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी एंड दिल्ली। हाँ दोस्तों, तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, लेंथ ऑफ यमुना इज 1376 किलोमीटर। हाँ, जैसे गंगा 2510 किलोमीटर उसकी गंगा की लेंथ है, वैसे यमुना की लेंथ है 1376 किलोमीटर। हाँ दोस्तों, और यमुना केवल इंडिया से फ्लो करती है, ऐसे गंगा बांग्लादेश, ऐसे गंगा बांग्लादेश और इंडिया दोनों से फ्लो करती है, वैसे ही यमुना केवल इंडिया से फ्लो करती है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट नदी की तरफ जिसका नाम है सरस्वती। हाँ दोस्तों, आप सबने सरस्वती का नाम सुना ही होगा, पर अभी त्रिवेणी संगम में नहीं है,
पर तब भी हम इस सरस्वती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, बाकी नदियां जैसे यमुना और गंगा हमने पढ़ा कि वो किसी ग्लेशियर से तैयार होकर आती हैं, पर ये जो हमारा सरस्वती है इसके बारे में पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा। ये जो सरस्वती है ये इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालया, किसी ग्लेशियर से नहीं आती है, ये हिमालया से आती है। हिमालया के बारे में तो आपको वही पता होगा, वो पहाड़ है, मतलब माउंटेन पीक्स है। तो सरस्वती ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालया, दिस इज पॉइंट। देन ट्रिब्यूटरीज ऑफ सरस्वती आर दिस। देखिए, अब हमने आपको कहा, शुरुआत में हमने आपको कहा था कि जो गंगा है उसकी ट्रिब्यूटरी सरस्वती है, बट सरस्वती की ट्रिब्यूटरी गंगा नहीं है, ना ही यमुना है, क्योंकि सरस्वती उसमें जाके मिलती है, ना कि वो उसमें जाके मिलती है। फ्लो के हिसाब से ही चेक किया जाएगा। हाँ, तो इसकी जो पहली ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है दिशावती, सेकेंड इज सतलज, चेनाब, व्यास एंड एवावती। ये जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि ट्रिब्यूटरीज बहुत जरूरी होती है याद करना, और वैसे भी सबकी बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ये याद करना बहुत ईजी है। But next is, next point is, Saraswati flows through Uttarakhand only. Saraswati आप इसी स्टेट में नहीं आती है, वो सिर्फ उत्तराखंड में ही होती है। अगर उत्तराखंड में तो यानी इंडिया में ही होगी, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट तभी नोट कर लिया है, फ्लोज ओनली थ्रू इंडिया, ये भी पॉइंट है इसमें। तो अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, अपना नेक्स्ट पॉइंट है द लेंथ ऑफ सरस्वती रिवर इज 360 किलोमीटर्स। 360 किलोमीटर्स, ये सबसे छोटी नदी है जिन तीनों की हमने बात की, उन तीनों में से ये अभी तक सबसे छोटी नदी है। गंगा सबसे बड़ी थी, नेक्स्ट यमुना, और लास्ट में ये सबसे छोटी है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे इसकी प्यारी सी फोटो लगी हुई है, ब्यूटीफुल सी। तो सरस्वती के बारे में हमारे जितने भी पॉइंट्स थे हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं अपने किसी नोटबुक में या जहाँ चाहे। तो दोस्तों, थैंक यू, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।